आज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माई कस्टम मेड दिवाली आउटफिट, जो अगर डैनियल वेलिंगटन नहीं होता तो शायद ये वीडियो में कभी अपलोड ना करती, बट थैंक्स टू देम हियर इट इज. तो बाय नाउ यू विल ऑलरेडी नो कि दिवाली की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ बिग, बिकॉज मैंने दिवाली की ये आउटफिट की तैयारी दिस ईयर जनवरी में स्टार्ट कर दी थी. तो मैं एक्चुअली गई थी एक ट्रिप पे जहाँ पे मुझे बहुत सुंदर येलो कपड़ा दिखा था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ये बनेगा मेरा दिवाली आउटफिट. एंड फिर मैंने उसको स्टिचिंग के लिए दे दिया था फरवरी में फॉर अ ब्यूटिफुल लहंगा. व्हाइल डिसाइडिंग व्हिच लहंगा आई वांटेड, आई टुक एटलीस्ट 3 to 4 hours, पूरा पिंटरेस्ट छान मार लिया मैंने. एंड देन तभी तो ये सब था नहीं, वायरस वायरस था नहीं, फिर में इधर नहीं आया था एटलीस्ट. तो बिंदास रिक्शा में गई, मार्केट में गई. अभी ये फुटेज देख के मेरे को ये एकदम शॉकिंग फील होता है कि हम ऐसे रहते थे. हाँ, हम ऐसे रहते थे. तो मैं और मम्मी गए थे, फाउंड अ टेलर हु अग्रीड टू डू इट. एंड द रीजन हमने उनको चूज किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस ऑन अ बजट, कि पूरा मुझे 5,000 में एकदम मस्त घेरा वाला लहंगा बनाना था. तो ही वॉज द वन जो सबसे प्रॉमिसिंग लगा था, एंड उन्होंने सिर्फ 1,000 rupees कोट किए थे लहंगा, मतलब स्कर्ट बनाने के, विथ कैन, एंड इसलिए हमने उनको दिया. एंड आफ्टर आई थिंक 2 weeks हमको स्कर्ट मिल गया. आई शो यू द स्कर्ट जस्ट इन अ बिट. एंड जहाँ तक टॉप की बात है, वो मैंने स्टिच नहीं कराया, थिंकिंग कि दिवाली तो नवंबर में है, अभी से क्यों स्टिच कराया, लेट मी टेक माई टाइम, आराम से जाऊँगी जो टाइम मिलेगा. एंड देन लॉकडाउन हैपेंड. तो अभी तो मैं नहीं जा पाई हूँ स्टिच कराने, व्हिच इज व्हाई ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाली थी, ये सोच के कि अब तो मैं क्या ही आपको आउटफिट बताऊँ, सिर्फ एक लहंगा तो बना है. बट I found a very very matching crop top in my cupboard and a super matching dupatta in my wardrobe, which is when I thought ये still एक interesting video बन सकता है. तो outfit के बारे में मैं और बताती हूँ in detail, लेकिन coming to the jewellery, I wanted to keep it simple but still super classy and elegant, क्योंकि मैं घर पर रहने वाली हूँ तो मुझे एकदम heavy चीज़ नहीं पहनना था. normal दिवाली पर क्या होता है कि अपन function में जाते हैं तो 2-3 hours के लिए heavy jewellery चल जाता है, but this time तो I'll be at home only, तो मुझे एकदम अच्छा लाइक दिवाली वाला भी फीलिंग चाहिए बट कंफर्टेबल भी चाहिए, कि मेरे कान हैवी ना लगे एंड कुछ भी मेरे को बोझा नहीं चाहिए. तो आई लिटरली वोर द सेम ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ जस्ट विद अ मांग टीका फॉर द दिवाली आउटफिट. तो जहां तक हैंड की बात है, आई वोर दिस ब्रेसलेट एंड अ वॉच. एक्चुअली यू नो व्हाट, ये ब्रेसलेट मेरे को ये हाथ में पहनना चाहिए विद द आउटफिट, बिकॉज मम्मा हमेशा कहती है कि हाथ खाली नहीं होने चाहिए फेस्टिवल्स पे. तो एक हाथ में वॉच तो एक हाथ में ब्रेसलेट. एंड जहां तक नेकलेस की बात करें, दिस इज अ ब्यूटिफुल नेकलेस विच इज अ न्यूअर लॉन्च ऑफ डैनियल वेलिंगटन. ये इस तरह के ब्यूटीफुल स्लीव में आता है, इट्स अ स्पेशल दिवाली पैकेजिंग. एंड इसमें नेकलेस था, लेकिन अभी मैंने पहना हुआ है तो इट्स ऑन माय नेक. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस विद ईच एंड एवरी आउटफिट. दिस इज फ्रॉम द इलान कलेक्शन, जिसमें यू गेट द मैचिंग रिंग इज वेल एंड द इयररिंग्स इज वेल. तो इट्स अ परफेक्ट लाइक कंप्लीट सेट इफ यू वॉन्ट टू गेट इट. एंड ये पर्टिकुलर कलेक्शन ना पूरा रोज गोल्ड है, तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसएवर. क्योंकि इफ यू नो, ये ब्रेसलेट मैंने लास्ट ईयर लिया था, ये वॉच थोड़ा इस साल में आगे, एंड अभी ये नेकलेस. बट स्टिल दिस ऑल लुक्स वेरी गुड टुगेदर. द ब्रेसलेट इज अ क्लासिक वन इन रोज गोल्ड, एंड द वॉच इज द लिंक ल्यूमिन वॉच, जो सिल्वर और रोज गोल्ड एक्सेंट्स में है. एंड क्योंकि इसके अंदर डायमंड्स है तो दिवाली वाला फीलिंग भी देता है. तो द नेकलेस इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द इलान रिंग. इट्स लाइक अ पतीत वर्जन ऑफ इट, लेकिन ऑन द नेक, एंड ये बहुत एलिगेंट लगता है. इट्स अ वेरी वेरी गुड गिफ्टिंग ऑप्शन इज वेल. कमिंग टू द हेड, आई वोर दिस ब्यूटिफुल मांग टीका. इट्स अ वेरी क्लासिक कुंदन डिजाइन, लोकल स्टोर्स में इजिली मिल जाएगा. एंड दैट वॉज ऑल फॉर ज्वेलरी. एंड सिंस इट्स दिवाली, मेकअप के लिए इट्स ईदर गो बिग और गो होम. तो ऑफकोर्स आई वेंट बिग विथ अ डार्क लिपस्टिक. इतनी डार्क लिपस्टिक मैंने ना पूरे साल भर ने लगाई है, एंड आई एम लाइक दिवाली के लिए तो मेरे को लगानी है. एंड आई मेकअप के लिए एकदम कॉपरी टोन्स रखे हैं, सिर्फ काजल किया है, ज़्यादा आईलाइनर मस्कारा नहीं किया. अगेन बिकॉज सिंस पूरा दिन है ना, आई एम लाइक थोड़ा ईजी, थोड़ा चिल, एंड फाउंडेशन नहीं की है, बस लिपस्टिक को ब्लश के तौर पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया एंड लिक्विड हाईलाइटर लगाया है, बस दैट इज ऑल फॉर माई मेकअप. फुटवेयर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं की क्योंकि मैं घर पे रहने वाली हूँ, तो वो गोल्डन हील्स एक है मेरे पास, बट घर पे थोड़ी मैं हील्स पहन के घूमूंगी, तो अब नॉट सिलेक्ट रही फुटवेयर. आई एम जस्ट गोना लाइक, मैं तो उससे महारानी हो गया जैसे ये सिंहासन पे बैठ के, आई एम गोइंग टू जस्ट रिलैक्स, ऐसा मुझे लग रहा है. बट आई एम प्रीटी श्योर दिवाली के टाइम पे भी कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा. पहले मैं आपको लहंगा बताती हूँ, फिर उसके बारे में वो स्टोरी बताती हूँ, ठीक है. फाइनली रिवीलिंग द लहंगा इन 3, 2, 1.
आई नो ये बहुत प्रिटी है, इस पे जो वर्क है ना मिरर का वर्क है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, तो ये मिरर वर्क की वजह से एकदम हैवी लगता है। एंड अंदर है कैन, इसको और लाइक एकदम घेरा देने के लिए। कपड़े की बात करूँ तो इट्स 7 मीटर का कपड़ा, तो इसलिए इसकी घेर बहुत ज्यादा है। इसके क्लोजर की बात करें ना तो यहाँ पे 2 हुक्स है एंड एक चेन है एंड नाड़ा है। यू नो दिस इज वाई आई वेंट फॉर दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि लहंगा एकदम भी ज्यादा हैवी नहीं है लेकिन एकदम सिंपल भी नहीं है। सो दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मैचिंग जूली दैट आई नीडेड, कि एकदम छोटा मोटा नहीं चाहिए बट इट स्टिल हैज टू लुक फेस्टिव। And that was the whole vibe of the jewelry जो मुझे चाहिए था, and this was matching it very perfectly. But coming to the difficulties I had in getting the custom outfit made was, सबसे पहला था budget, क्योंकि अगर इतना सारा मेहनत अपन कर रहे हैं, खुद जाकर कपड़ा लेके आ रहे हैं, टेलर ढूंढ रहे हैं, डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं और उनको दे रहे हैं, तो वो रेडीमेड से सस्ता होना ज़रूरी है। एंड मैं मोस्ट जगह जहाँ पे गई ना वहाँ पे 3,000 के नीचे स्टिचिंग कोई नहीं दे रहा था लहंगे की। तो मुझे ये कपड़ा, मुझे 8 मीटर कपड़ा 2,400 का पड़ा था। आई नो इट्स स्टिल प्रीटी चीप फॉर इतना अच्छा कपड़ा, लेकिन वो ना एक तो मैं गांव से ले आई थी एंड दूसरा ये कपड़ा डिफेक्टेड है। लेट मी सर्च फॉर द दाग, लेकिन एक बड़ा धब्बा है ब्लू, ये रहा दाग। तो इस दाग की वजह से मुझे कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता मिला, वरना आई थिंक ऐसा कपड़ा 600 रुपये के नीचे नहीं मिलता ना पर मीटर प्रॉबेबली। अगर आपके यहाँ ज़्यादा सस्ता मिलता तो लेट मी नो, नेक्स्ट टाइम आई कम इन दैट एरिया मैं बहुत सारा कपड़ा लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे लहंगे बहुत पसंद है। तो एनी विच वेज, तो मुझे कपड़ा 2,400 का ऑलरेडी पड़ा था एंड अगर उसमें मैं 3-4 हज़ार स्टिचिंग के डालूँ तो 6,500-7,000 लहंगे, वो भी सिर्फ स्कर्ट ब्लाउज का, तो अलग के लिए मुझे सही नहीं लग रहा था। तो ये अकेले टेलर थे जो ये रेंज में मान गए। एंड सेकेंडली टाइमलाइंस, यार बाकी सारी जगह 2-3 महीने का वेटिंग था एंड आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल वेटिंग फॉर दैट टाइम, थैंक गुडनेस, क्योंकि अगर मैं तभी 3 महीने के लिए मान जाती तो शायद मेरे को लहंगा ना भी मिलता टाइम पे, क्योंकि फिर लॉकडाउन हो जाता तो कारीगर सब नहीं होता। एक्चुअली आई हैव गिवन अ कस्टम लहंगा टू बी मेड फॉर द वेडिंग सीजन, तो उसके लिए भी आई विल बी मेकिंग अ फुल फ्लेज्ड वीडियो। बट हाँ, ये टेलर भैया 2 हफ्ते में मान गए थे। बट द थर्ड प्रॉब्लम जो मैं ओवरकम नहीं कर पाई वॉज द डिजाइन। तो मेरे को तो फुल प्लीट्स चाहिए थे, जो मैंने और मम्मी ने मल्टीपल टाइम्स उनको समझाया था एंड हमने कहा भी था कि ये पट्टा नहीं चाहिए, बट उन्होंने कहा कि उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से इतना लंबा कपड़ा ये पट्टे के बिना वो नहीं बना पाएंगे एंड इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये पट्टा फिर भी आया है लहंगे पे। मेरे को एक पूरा यहाँ से ही प्लीट्स चाहिए था एंड ये मेरे को थोड़ा नवरात्रि वाले स्कर्ट का वाइब देता है, क्योंकि यूजुअली उसमें ऐसे बड़े बड़े पट्टे होते हैं। आई स्टिल लव इट, बट ये पट्टा नहीं होता और डायरेक्टली बड़े प्लीट्स होते ना, तो इसका अलग ही मज़ा आता। लेकिन इसका घेरा हैज माई हार्ट सच में। And the advantage with skirts is you can pair anything with it. And आजकल तो इंडो वेस्टर्न का इतना ट्रेंड है कि ये क्रॉप टॉप मैंने बहुत टाइम पहले लिया था एंड आई नेवर थॉट कि ये मेरे को दिवाली पे काम आएगा। दिस येलो पट्टी वाला क्रॉप टॉप का लेंथ इज वेरी परफेक्ट, ये टॉप एग्जैक्टली वहाँ पे खत्म होता है जहाँ पे ये स्टार्ट होता है, थोड़ा सा हल्का सा पेट दिखता है, विच इज वाई थॉट दिस इज परफेक्ट। एंड ये लहरिया दुपट्टा, तो इस पे भी स्ट्राइप्स है, लहंगे के वर्क में भी स्ट्राइप्स है, तो एकदम सही से मैच कर गया। प्लस दिस बॉर्डर ना इट मैचेस वेरी वेल विद द ज्वेलरी, लाइक अगर मैं ये नेकलेस के साथ एंड ये इसके साथ रखूँ तो बहुत सही लग रहा है, इसलिए दिस दुपट्टा ना पूरा आउटफिट को एकदम लाइक मस्त से स्टिच कर दिया। बट आई फील इवन इफ आई डोंट वेयर द दुपट्टा तो एज अ वन पीस भी ये टॉप स्कर्ट एंड द एक्सेसरीज वुड लुक रियली नाइस, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगर घर पे कोई रिलेटिव्स आए तो अपन दुपट्टा रख सकते हैं, अगर ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ कुछ कार्ड पार्टी या कुछ करने का प्लान है सेफली यू कैन जस्ट टेक ऑफ द दुपट्टा एंड एक अच्छे से वन पीस के तौर पे पहन सकते हैं। ऑल्सो दिवाली गिफ्टिंग गाइड मैंने आई थिंक लास्ट ईयर बनाया था, आई एम नॉट श्योर ये साल मैं बनाऊंगी कि नहीं, बट आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये नेकलेस किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। वॉच अगर आपके बजट पर नहीं है तो नेकलेस इज अ वेरी गुड गिफ्टिंग आइडिया, क्योंकि दिस इज फॉर 6,499 एंड इट्स ग्रेट क्वालिटी, क्योंकि आई हैव नॉट बीन टेकिंग दिस ऑफ, अगर मुझे कभी बाहर जाना रहता है तो जो पसीना वसीना आता है वो लग चुका है चेन पे एंड अभी तक रस्ट नहीं हुआ है, तो गिफ्टिंग के लिए भी इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। एंड बिकॉज ये वर्सेटाइल है ना तो लोग ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे एज अगेंस्ट समथिंग एल्स जो जल्दी से ज़्यादा यूजेबल नहीं है, ये डेली
डेली वेयर में भी इजिली यूज हो सकता है। आई वुड लाइक टू डू मोर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस क्योंकि वैसे मजा आता है यार करने में। टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ा था ये आउटफिट तो 1000 और 2100 पकड़ता है क्योंकि मैंने 1 मीटर कपड़ा साइड पर रखा है ब्लाउज के लिए जो पता नहीं कब बनेगा लेकिन रखा है। तो लहंगे का कपड़ा पड़ा 2100 का, 1000 रुपए की स्टिचिंग विद कैन कैन एंड एवरीथिंग तो 3100 का लहंगा। ऊपर का टॉप आई थिंक 600 या 500 का था तो अपन 500 पकड़ते हैं 3600। एंड दुपट्टा ना बहुत टाइम पहले ले आए थे बट मैं उसकी 1200 रुपए पकड़ लेती हूँ या 1000 रुपए पकड़ लेती हूँ चलो, तो 4600 वॉज फॉर द होल आउटफिट। एक्सेसरीज आर समथिंग जो मेरे पास पहले से थे जो मैंने स्पेशली दिवाली के लिए नहीं लिए है तो नॉट गोना काउंट दैट अलॉट क्योंकि अगर मैं एक एक दो दो साल पुरानी चीजें पहन रही हूँ तो आई डोंट थिंक आई कैन काउंट दैट। ये रिंग्स भी आई बीन वेयरिंग सिंस अ ईयर, कभी उतारती नहीं और रिंग्स भी कभी उतारती नहीं, तो आई थिंक दिवाली में तो ज्वेलरी चलता है ना। बट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय।